जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, साथियों, मित्रों, आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं F-16। तो ये जो है ना F-16 फाइटर जेट है। तो ये फाइटर जेट है तो ये कहाँ का है? अमेरिका का फाइटर जेट है। तो इसी के विषय में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। F-16 जो फाइटर जेट है, लड़ाकू विमान है, तो काफ़ी उन्नत किस्म का ये लड़ाकू विमान फाइटर जेट है। तो इसके बारे में अभी हम लोग ये चर्चा करने जा रहे हैं किस देश ने बनाया। तो इसका निर्माण अमेरिका में हुआ है। तो अभी इस पर हम लोग किस लिए चर्चा करने जा रहे हैं? तो देखिए, बात यह है कि जो फाइटर जेट है F-16, तो ये है ना सो इसको है ना अमेरिका ने है ना सो दिया हुआ है किसको? पाकिस्तान को। लगभग 80 जो F-16 फाइटर जेट है वह अमेरिका ने, USA ने किसको दिया? पाकिस्तान को दिया। तो इसके पाकिस्तान के पास अभी कितना है? लगभग 80 है ना सो F-16 फाइटर जेट है। ये काफ़ी उन्नत किस्म का लड़ाकू विमान है। पूरी दुनिया में इसका है ना सो काफ़ी नाम है। तो काफ़ी ये प्रसिद्धि ये हासिल कर चुका है। तो अमेरिका ने दिया है पाकिस्तान को। तो अभी जो हम इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो F-16 फाइटर जेट के बारे में, वह यह है कि ये तो बहुत पहले की बात है। लगभग आज से 20 साल पहले का बात है जब अमेरिका ने इसको है ना सो दिया था। लेकिन अभी इस पर किस लिए चर्चा हो रहा है? अभी ये बात है कि अमेरिका ने है ना सो ये जो USA है, जो बाइडेन जो वहाँ का प्रेसिडेंट है अमेरिका का, तो उनका ये प्रशासन ने है ना क्या किया, फैसला किया है कि जो अमेरिका ने ना जो 80 फाइटर जेट है ना F-16 फाइटर जेट जो पाकिस्तान को दिया है, तो उसके रख रखाव के लिए, उसके कल पुर्जे के लिए, रख रखाव मेंटेनेंस के लिए अलग से अमेरिका प्रशासन अलग से एक पैकेज का योजना बनाया है जो पाकिस्तान को देगा। तो अभी यही बात हो रहा है कि जो F-16 फाइटर जेट जो अमेरिका ने जो पाकिस्तान को दिया है, तो उसके रख रखाव के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए क्या होता है, अमेरिका ने एक पैकेज बनाया है, काफ़ी भारी भरकम पैकेज बनाया है। यह पैकेज क्या पाकिस्तान को देगा? तो पाकिस्तान क्या करेगा उस रुपया का? F-16 जो उसको फाइटर जेट मिला हुआ है अमेरिका से, उसके रख रखाव के लिए, मेंटेनेंस के लिए, उसका कल पुर्जा खराब क्या होगा, ये सब काम करेगा। तो काफ़ी भारी मात्रा में, छोटा मोटा पैकेज नहीं, काफ़ी भारी मात्रा में यह है ना तो बहुत ही बड़ा पैकेज का ये ऐलान किया है। ये जो बाइडेन जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, उन्हीं का प्रशासन ने ये पूरा फैसला किया कि पाकिस्तान को भारी भरकम पैकेज देंगे। जो F-16 लड़ाकू विमान फाइटर जेट जो उसको दिए हुए हैं पूर्व काल में, बहुत पहले दिए थे 80, तो उसका मेंटेनेंस करने के लिए, रख रखाव के लिए। तो इससे घाटा, आप जानते हैं कि अमेरिका, ये पाकिस्तान कैसा है, पूरी आप है ना, ये पूरा टेररिस्ट स्टेट है ना, इसको अंतर्राष्ट्रीय पूरे आतंकवाद फैलाने का काफ़ी सबसे बड़ा अड्डा है। दुनिया का जितना भी सबसे बड़ा आतंकवादी ये सब कहाँ मिलता है? तो पाकिस्तान में मिलता है। ओसामा बिन लादेन हुआ, आयमन अल जवारी हुआ, क्या तो फिर है ना सो और भी है ना सो ये लश्कर ए तोयबा हुआ, तो उसके बाद है ना सो लश्कर ए तोयबा का जो आतंकवादी है, तो आप जानते हैं कि है ना सो मौला महसूद अजहर हुआ, ये या फिर है ना लश्कर ए तोयबा का पूरा जो आतंकी संगठन है। अब फिर अब जाते कितना भी जो ये सब दुनिया का जितना भी बड़ा बड़ा आतंकवादी है, इस्लामिक आतंकवाद का पूरा केंद्र कौन है? पाकिस्तान है। तालिबान को भी खड़ा किसने किया? तो तालिबान को भी खड़ा करने में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा? पाकिस्तान का। तो ये है ना एक है ना सो पूरा एक टेररिस्ट स्टेट है, पूरा आतंकवाद ही इसका काम पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाना, ड्रग्स का कारोबार करता है, नशे का कारोबार होता है। अभी पूरे पाकिस्तान से अफगानिस्तान बॉर्डर, वहाँ से पूरे दुनिया में क्या ड्रग्स का सप्लाई होता है, यहाँ तक यूरोप तक होता है, भारत में भी भेजता है। उसका जानते पूरे कश्मीर को किस तरह आतंकवाद की है ना पूरे चपेट में ले गया, तो वहाँ पर सिर्फ आतंकवाद ही पैदा लेता है। जैसे अब आप जानते हैं कि भारत में क्या होता है, इंजीनियर्स डॉक्टर ये सब पैदा, ये भारत क्या करता है, इंजीनियर डॉक्टर तो बड़ा बड़ा है ना सो साइंटिस्ट ये सब पैदा करता है। अमेरिका भी है ना सो काम करता है, लेकिन पाकिस्तान क्या सबसे बड़ा एक पर एक है ना सो नामी आतंकवादी वहाँ से निकलता है, टेररिस्ट ग्रुप सब ये सब। तो ये है ना सो पूरा आतंकवाद का पूरा ट्रेनिंग प्रशिक्षण ये सब सारा काम धड़ल्ले से पूरा है ना होता है वहाँ। इतना महंगाई इतना चरम पर है पाकिस्तान में, बेरोजगारी है, भुखमरी है, लेकिन पूरा किसी को कोई मतलब नहीं, खाली वहाँ आतंकवाद का पूरा है ना सो ये कारोबार होता है, हथियार का, ड्रग्स का, तो पूरे दुनिया में इतना खतरा है। और फिर ऐसा जो खतरनाक देश है, तो उसको ना अमेरिका ने पैकेज दिया फुलपुर पैकेज दिया है। तो क्या ये जो लड़ाकू विमान है फाइटर जेट, उसके मेंटेनेंस के लिए, उसके रख रखाव के लिए, तो ये किस लिए दिया, इसका क्या उपयोग करेगा, ये जो पाकिस्तान क्या करेगा, इस जो फाइटर जेट है इसका कल पुर्जा सब ठीक करेगा, अच्छा करेगा, तो इसका कलों के किसके विरुद्ध उपयोग करेगा? तो कलों के आना सो वो भारत के विरुद्ध ही
इसका है ना सो उपयोग करेगा। तो ये है ना सो एक तरह से अमेरिका बोलता है कि नहीं हम भारत का दोस्त है, मोदी जी से है ना सो वहाँ का राष्ट्रपति है ना सो गले में जाके मिलते हैं, गलबैया करते हैं कि नहीं भारत हमारा सबसे अच्छा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है ना सो, तो दोस्ती का पूरा ये हो रहा है। और है ना सो ये उपदेश भी अमेरिका उपदेश देता है कि भारत को कि ना तुम रूस से तेल नहीं लो, रूस से गैस नहीं लो, ईरान से तेल नहीं लो, गैस नहीं लो, ये सब है ना सो ये अमेरिका का विरोधी देश है, हरदम रूस और ईरान अमेरिका का विरोध करता है, तो ये अमेरिका भारत को उपदेश देता है तो कि तुम ईरान से तेल नहीं लो, गैस नहीं लो, रूस से गैस नहीं लो, तेल नहीं लो, एनर्जी नहीं लो, रूस से कोई है ना सो रक्षा सौदा नहीं करो, ये सब बोलता है। भारत को तो उपदेश इतना दे रहा है, लेकिन अभी क्या किया कि पाकिस्तानी को है ना सो पूरा है ना पैकेज दे रहा है, पैसा दे रहा है फाइटर जेट लड़ाकू विमान के लिए रखने के लिए। पहले तो गलत किया कि इसको इतना अति आधुनिक फाइटर जेट दिया, यही सबसे बड़ा गलत काम किया। फिर उसके फिर है ना दोबारा गलत काम कर रहा है कि उसके मेंटेनेंस के लिए पैसा दे रहा है, इतना भारी भरकम पैकेज। तो कलों के क्या ये है ना सो भारत के विरोधी उपयोग करेगा, इसका है ना इस्तेमाल करेगा। तो ये आप जानते हैं कि ये जो पाकिस्तान इतना बड़ा जो आतंकवादी देश हो चुका है कि पूरा है ना आतंकवाद का जितना भी सारा बड़ा बड़ा आतंकवादी सब पाकिस्तान में अफगानिस्तान बॉर्डर पर बैठा हुआ है। तो ये पूरा अमेरिका, एक बार तो क्या हुआ था कि जानते हैं 9/11 का घटना है, अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था उसको है ना सो वहाँ के अलकायदा संगठन ने क्या किया था, ओसामा बिन लादेन, तो पूरा है ना सो वो उसका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ही है ना सो उड़ा दिया था। फिर उसके पेंटागन पर अटैक हुआ, तो ये सब आतंकवाद है ना सो लंदन में भी हुआ, लंदन में मेट्रो में आतंकवाद का घटना हुआ, तो इस सब में अलकायदा का हाथ था। तो ऐसा जो मुल्क जो है ना सो अलकायदा को पाल रहा है, तालिबान को पाल रहा है, लश्कर ए तैयबा को पाल रहा है, हिजबुल मुजाहिदीन जैसा बड़ा बड़ा आतंकवादी संगठन है, दाऊद इब्राहिम को पालता है, ड्रग्स का कारोबार करता है, नशे का कारोबार करता है, यहाँ पर एकदम कोई भी व्यवस्था नहीं है, इसको इतना पैसा ये सब दे रहा है, तो कलो के तो इसका भारत के विरोधी उपयोग करेगा, तो अमेरिका का ऐसा पैसा दे रहा है। आप जानते हैं कि है ना सो अमेरिका है ना दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार का उत्पादन करता है, पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार है तो उसका उत्पादन अमेरिका करता है, आप पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार का है ना उसको क्या करता है बेचता भी है, जो भी किसी भी देश को सबसे ज़्यादा हथियार का जब जरूरत पड़ता है तो किसको अमेरिका ही से जाता है पास जाता है, नहीं तो रूस के पास जाएगा। ये दो वो देश है जो दुनिया का सबसे ज़्यादा हथियार का उत्पादन करते हैं और बेचते हैं, तो है ना सो ये बात सामने आ चुका है कि ये अमेरिका है ना हथियारों का सौदागर है, सबसे ज़्यादा हथियार का प्रोडक्शन करता है। अमेरिका यही चाहता है कि पूरे दुनिया में हर देश एक दूसरे से लड़े और उससे है ना बदले में क्या करे कि उससे है ना सो हथियार खरीदे, फाइटर जेट या जो भी है ना सो रक्षा सौदा करे। तो ये है ना सो ये अमेरिका का पूरा नियम है, विदेश नीति यही है कि दुनिया में दुनिया आपस में लड़े, मारकाट हो, पूरे दुनिया में आतंकवाद फैले तो उससे क्या होगा, जितना लड़ाई होगा जितना मारकाट होगा तो उससे है ना सो हथियार, इसके लिए हथियार का जरूरत होगा तो हथियार का सप्लायर कौन होगा, तो अमेरिका। तो कोई भी देश है ना हथियार का जरूरत होगा तो अमेरिका से खरीदेगा। तो ये तो पूरा है ही, आप जानते हैं कि अमेरिका में ना हरदम शूट आउट हो जाता है, अमेरिका में तो क्या होता है कि ना कोई भी आदमी ना सो जाता है दुकान से, जैसे ना कोई जैसे परचून के दुकान से यहाँ सामान खरीदता है, इसी तरह कोई भी आदमी जाता है अपना है ना सो हथियार खरीद लेता है, और बराबर है ना अमेरिका में शूट आउट होता है, कभी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो जाता है, कभी मेट्रो ट्रेन में। लगभग ये अनुमान है, ये रिपोर्ट पूरा है कि हर लगभग 100 लोग अमेरिका में रोज क्या होता है कि है ना सो हथियारों को द्वारा ना जो शूट आउट होता है, ये सब इसके रोज है ना सो 100 लोग अमेरिका में जरूर मर जाते हैं। तो ये कोई भी जिसको मनाता है अंधाधुन हथियार खरीद लेता है, जाके अंधाधुन फायरिंग करता है, कभी मेट्रो में, कभी स्कूल में, कभी हॉस्पिटल में, कभी अपने को ही मारता है। तो लगभग यह है कि है ना सो गोली बंदूक रिवॉल्वर से हर दिन है ना अमेरिका में 100 लोग मरते हैं, हर साल है ना सो 30-35-40-45,000 लोग है ना सो वहाँ क्या हथियारों के कारण ही है ना सो मर रहा है, बहुत लोग सुसाइड कर लेता है हथियार से, स्कूल में जाके है ना सो ना बेमतलब का है ना बच्चों मासूम बच्चों पर ना सो हथियार से हमला कर देता है, 50-100 ऐसी मर जाता है, बराबर ये घटना होता है। पूरे दुनिया में हथियार का सप्लायर कौन है, अमेरिका है। पूरे दुनिया में जितना युद्ध हो, मारकाट हो, एक देश दूसरे देश से लड़े तो अमेरिका का इकोनॉमिक काफ़ी बढ़ेगा। तो ये पूरा अमेरिका का मानना है कि ये है ना सो कहीं भी शांति रहे, दुनिया में कहीं भी शांति नहीं रहे, पूरा आतंकवाद बढ़े तो उसका इकोनॉमिक काफ़ी बूस्टअप होगा, उसके जब दो देश लड़ेंगे आतंकवाद फैलेगा तो उसके लिए हथियार का जरूरत पड़ेगा, और जब हथियार का जरूरत पड़ेगा तो इसका सप्लाई कौन करेगा, अमेरिका।
तो ये है ना सो हथियारों का सौदागर है पूरे दुनिया में, है ना सो ये है ना सो आतंकवादी हुआ, टेररिस्ट हुआ, ये सबको हथियार कहाँ से आता है? अंत में है ना सो वो अमेरिका ही से आता है। तो ये पूरा सप्लायर है। अभी है ना पाकिस्तान को भी है ना फाइटर, एक तो F-16 फाइटर जेट तो दे ही दिया, और उसके बाद उसका मेंटेनेंस के लिए ना उसके लिए पैसा भारी कम भरकम पैकेज दे रहा है। तो पूरा क्या इस्लामिक मुल्क है, आतंकवादी देश है ये पूरा, इसके यहाँ का कोई नियम कानून नहीं है, इसका ना राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री का कोई है ना सो ये मॉरल करेक्टर ही नहीं होता, क्या कब बोलता है कब रहता है। तो ऐसा देश को दिया है तो भारत के विरुद्ध तो क्या कर रहा है अमेरिका, बहुत ही खराब ही काम कर रहा है। इससे अब पाकिस्तान करेगा इस पैसा का दुरुपयोग करेगा और उसका क्या करेगा, भारत के विरुद्ध ही इस्तेमाल करेगा। तो काफ़ी गलत काम है, इसका हम लोग है ना सो काफ़ी है ना सो घोर निंदा करते हैं। और अभी है ना सो भारत के जो रक्षा मंत्री है ये भी इसकी करीब, राजनाथ सिंह है जो रक्षा मंत्री है ये काफ़ी है ना सो इसके करीब विरोध किया है, विरोध प्रदर्शन किया है पूरे अमेरिकी प्रशासन से। और वहाँ के जो रक्षा मंत्री है, अमेरिका के जो रक्षा मंत्री है लॉयड ऑस्टिन, तो ये लॉयड ऑस्टिन को ना अमेरिका का रक्षा मंत्री है, तो उसे राजनाथ सिंह फोन पर टेलीफोन करके है ना सो ये जो फैसला लिया है अमेरिकी प्रशासन ने उसका काफ़ी गंभीर आपत्ति दर्ज किया, काफ़ी विरोध किया है। तो ऐसा काम है ना, तो पाकिस्तान जैसा मुल्क को है ना सो हथियार दे रहा है अमेरिका, उसको पैकेज दे रहा है, तो उसके है ना सो IMF से लोन मिल रहा है, तो ये सब क्या हो रहा है। वो एक दूसरे तरफ भारत को उपदेश देता है कि तुम रूस से तेल गैस नहीं खरीदो, रूस से कोई ना सो अपना संबंध नहीं बनाओ, विरोध प्रकट करो, रूस से सारा संबंध तोड़ लो, ईरान से नहीं लो। तो इसमें ना कोई सही बात है, भारत पड़ोसी देश है ईरान, तो भारत उससे काहे नहीं अच्छा रिश्ता रखेगा। अगर सस्ता पेट्रोल डीजल ये सब मिल रहा है तो भारत उससे काहे नहीं ईरान से खरीदेगा, रूस से काहे नहीं खरीदेगा सस्ता पेट्रोल डीजल। रूस हरदम आदमी को भारत को मदद करने के लिए तैयार रहता है, कभी भी कोई दिक्कत हुआ, परखा हुआ जाचा परखा हुआ मित्र है, देश है, कभी भी जरूरत पड़ा तो रूस हरदम है ना भारत का सहयोग करता है, हरदम साथ रहता है। तो इतना है ना भरोसेमंद है ना रूस देश है। लेकिन अमेरिका का क्या है कि अभी है ना सो बोलता है कि है ना भारत उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, सो काफ़ी करीबी उसको है ना सो मोदी जी को वहाँ का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति गले लगाता है, और है ना सो एक तरफ है ना पीठ में खंजर भोंक रहा है कि अभी पाकिस्तान को पैकेज दे दिया। तो ये काफ़ी है ना सो इस पर ना हम लोग हमारे लिए, हमारे देशवासियों के लिए, देश के लिए ये काफ़ी खराब चीज़ है, काफ़ी खतरा वाला चीज़ है। इस पर गंभीर आपत्ति विरोध दर्ज करते हैं जो ऐसा काम किया है अमेरिकी प्रशासन ने, इस पर काफ़ी विरोध होना चाहिए। और है ना सो इस फैसला को अमेरिका वापस ले, नहीं तो भारत को भी है ना सो इस पर है ना सो गंभीर आपत्ति दर्ज करके पूरा है ना ये करना चाहिए कि ये जो है ना ये जो पूरा हथियार का सप्लाई करता है अमेरिका, तो इस पर काफ़ी विरोध हम लोग का है, और ना प्रधानमंत्री भी इस पर विरोध दर्ज करेंगे। तो ये बात है, आप वीडियो देख लीजिए, तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को है ना सो लाइक कीजिएगा, लाइक करने के बाद सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।